सीएम योगी आदित्यनाथ ने बहनोई राजेंद्र चौधरी के निधन पर जताया दुख। दिल्ली के निगम बोध घाट पर किया अंतिम संस्कार। प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में स्वच्छ ढाबा अभियान की शुरुआत। अभियान के समापन पर मॉनिटरिंग कर ढाबा संचालकों को करेंगे पुरस्कृत। पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सफाई कर्मचारियों का प्रदर्शन, सरकार के खिलाफ में जमकर की नारेबाजी। पार्षद प्रत्याशी नरगिस बेगम ने वार्ड नंबर 64 में कैंप लगाकर दी मेडिकल सुविधा, निशुल्क जांच पाकर जरूरतमंदों के खिले चेहरे। रायबरेली में अपराधी बेलगा थाने से चंद दूरी पर दबंगों ने मारपीट कर लूटे लाखों के रुपए। नमस्कार, मैं उषा भार्गव और आप देख रहे हैं प्राइम उत्तर प्रदेश। तो शुरुआत करते हैं उत्तर प्रदेश की बड़ी खबरों के साथ। एक दिवसीय रायबरेली दौरे पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य मौजूद रहे। एक दिवसीय दौरे को लेकर विकास खंड शिवगढ़ की ग्राम पंचायत रायपुर नेरुआ में पहुंचे, जहां पर उन्होंने विकास कार्यों का निरीक्षण किया। आपको बता दें कि केशव प्रसाद ने निर्माणाधीन ओपन जिम में वृक्षारोपण किया और ग्राम सभा में चौपाल लगाकर प्रतिभाग किया। निकाय चुनाव को लेकर तारीख पे तारीख हो रही है, लेकिन चुनाव का समय अभी तक निर्धारित नहीं हो सका, जिसको लेकर पत्रकारों ने मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से सवाल किए हैं कि विपक्ष का आरोप है कि मौजूदा सरकार चुनाव को लगातार टालने का कार्य कर रही है। इस सवाल पर उन्होंने चुप्पी साधी और मीडिया से बचते नजर आए। बेरोजगार अखिलेश यादव जी बेरोजगार हैं, इसलिए उनको बेरोजगारी नजर आती है। जनता ने उन्हें बेरोजगार कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बना दिया है। बेरोजगारी उनके सत्ता में नहीं रहने को मानते हैं। खबर लखनऊ से है, जहां नगर विकास विभाग ने प्रदेश के 762 नगरीय निकायों में स्वच्छ ढाबा अभियान का शुभारंभ किया। अभियान के तहत ढाबों ने निकलने वाला अपशिष्ट को वैज्ञानिक तरीके से स्वतः नष्ट करने को प्रेरित किया है। निदेशक स्थानीय निकाय नेहा शर्मा ने स्वच्छ ढाबा अभियान में जन भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए अधिकारियों को निर्देशित दिए। उन्होंने कहा कि 3 महीने तक अभियान चलाकर ढाबों की मॉनिटरिंग की जाएगी, ढाबा संचालकों को पुरस्कृत भी किया जाएगा। देखिए, स्वच्छ भारत मिशन नगरीय उत्तर प्रदेश की एक पहल है, जो स्वच्छ ढाबा अभियान हम लोग करने जा रहे हैं। ये 5 जनवरी से इसकी शुरुआत हुई है। इसमें जो भी निकाय क्षेत्र में विशिष्ट पहचान रखने वाले ढाबे हैं, ईटिंग जॉइंट्स हैं, जहाँ पर काफ़ी मात्रा में लोग आते हैं, काफ़ी लंबा फुटफॉल होता है, ज़्यादा लोग आते हैं, आवागमन होता है, इन जगहों पर वेस्ट को मैनेज किस तरह से किया जाए इन ईटिंग जॉइंट्स में, जो ट्विन बिन की बात की जाती है, गीला और सूखा कचरा जो है उसको सेग्रीगेट करने की जो व्यवस्था है वो विकसित कैसे की जाए, और टॉयलेट्स जैसे इन ईटिंग जॉइंट्स में जो होते हैं वो हमारे गूगल टॉयलेट लोकेटर ऐप जो है उस ऐप से इंटीग्रेट किए जाएं। साथ साथ में एक रीयूज़ जो करना चाहिए वेस्ट मटीरियल को, या वेस्ट टू वेल्थ का जो कॉन्सेप्ट है, उस सभी कॉन्सेप्ट्स को हम लोग आगे लेके जा रहे हैं। और स्वच्छ ढाबा की जो परिधि है वो केवल SBM की जो गाइडलाइंस हैं उन्हीं को हम लोग नहीं चाह रहे हैं, बल्कि हमारा एक मेन उद्देश्य ये भी है कि इससे जन भागीदारी भी इंश्योर हो, वहाँ आने वाले लोग जो हैं वो भी स्वच्छता के प्रति जागरूक हों, और जो ढाबे हैं, जो ईटिंग जॉइंट्स हैं, वो वेस्ट जनरेशन में अपनी जो भूमिका है उसको सुनिश्चित करें, वेस्ट जनरेशन के जो निस्तारण करने की जो प्रोसेसिंग यूनिट्स हैं उनमें अपनी भूमिका को सुनिश्चित करें। देखिए, ये सभी जनपदों में, सारे जनपदों में हम लोगों ने इसकी जिम्मेदारी जो है वो ADM स्तर के जो अधिकारी होते हैं, जो निकायों के लिए ऑफिसर इंचार्ज होते हैं, उनके साथ में ये जिम्मेदारी साझा की है, और सभी निकायों में जो विशिष्ट पहचान रखने वाले ईटिंग जॉइंट्स हैं वहाँ इनको किया जाएगा। और इस पे ढाबों की रैंकिंग पर भी हम लोग एक काम करने जा रहे हैं। 5 से 12 जनवरी के बीच में IEC गतिविधियाँ की जाएंगी कि ढाबे में क्या व्यवस्थाएं होनी चाहिए जो SBM के अनुरूप हों, स्वच्छ भारत की परिधि के अनुरूप हों,
और फिर एक रखरखाव की बेहतर व्यवस्था, इसकी स्वच्छता की निरंतरता बनाए रखने का जो काम है वो किया गया या नहीं किया गया, इसका आकलन हम लोग ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम करेंगे। बाय एंड ऑफ मार्च एक रैंकिंग हम लोग जारी करेंगे जिसमें 3 स्टार्स अलग अलग तरीके से रैंकिंग ढाबों की जाएगी। 1 स्टार रैंकिंग वाले ढाबे वे ढाबे हैं जहाँ पर सिंपल प्रैक्टिसेस ऑफ वेस्ट सेग्रीगेशन इंश्योर हो रही हैं, डस्टबिन्स रखी गई हैं। दूसरी तरफ जो स्टार 2 ढाबाज होंगे वो ढाबे होंगे जहाँ पर वेस्ट मैनेजमेंट का प्रॉपर यूसेज दिखेगा, और स्टार 3 ढाबे वो होंगे जहाँ पर ये सारी एक्टिविटीज़ के साथ साथ में अगर कुछ लोग वेस्ट टू वेल्थ क्रिएट कर रहे हैं, मान लीजिए कोई प्लास्टिक वेस्ट से बनी हुई चीज़ों का उपयोग दोबारा से कर रहे हैं, रिसाइकल कर रहे हैं, उनको हम स्टार 3 देंगे। फिरोजाबाद में वार्ड नंबर 64 की पार्षद प्रत्याशी नरगिस बेगम ने लोगों के लिए मेडिकल कैंप लगवाया और शिविर मेडिकल कैंप का फीता काटकर कैंप का शुभारंभ किया। मेडिकल कैंप में गरीब लोगों तक फ्री मेडिकल की सुविधा पहुंचाई गई। इस कैंप में स्थानीय लोग अपने स्वास्थ्य की जांच कराने आए हैं। आपको बता दें कि काफी संख्या में लोग एकत्रित होकर कैंप में जाकर दवाई और चेकअप करा रहे हैं। इस पहल से लोगों में खुशी का माहौल है। इसके साथ ही वहां लोगों ने पार्षद प्रत्याशी को धन्यवाद भी किया है। संभल में यातायात पुलिस की ओर से सड़क सुरक्षा जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। हादसे से निजात पाने के लिए यातायात पुलिस की बड़ी कवायद देखने को मिली, जहां पर पुलिस ने आवागमन कर रहे वाहन चालकों को जागरूक करने हेतु अभियान चलाया। पुलिस ने सड़क पर 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चलाते समय यातायात पुलिस के नियमों का पालन करना और प्रत्येक वाहन चालक के लिए सीट बेल्ट, हेलमेट का उपयोग करने के लिए स्थानीय लोगों को जागरूक किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर पूरे प्रदेश भर में सड़क सुरक्षा माह मनाया जा रहा है। उसका आज उद्घाटन जिलाधिकारी महोदय द्वारा बैजोई में किया गया है। इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा किसौली ग्राम, यहाँ पर हमारा ARTO ऑफिस प्रस्तावित है, उसकी भूमि हमको प्राप्त हो चुकी है और ऑटोमेटिक ड्राइविंग टेस्टिंग ट्रैक हमारा बनने जा रहा है। तो आज हम पहली बार यहाँ पर हमारे पंचायत भवन में, यहाँ पर जितने हमारे ग्रामीण लोग हैं जो कि लोकल लोग हैं यहाँ के, उनके बीच हम आज बैठे थे। जो विभाग की प्रमुख योजनाएं हैं दुर्घटना से संबंधित, जागरूकता से संबंधित, उनके बीच वार्ता की गई, उनको कुछ जानकारियां दी गई हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी सड़क सुरक्षा को लेकर बहुत ही मेहनत कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं, इसी को लेकर आज हमारे जिला अधिकारी जी ने भी उद्घाटन कराया यातायात माह का। ये संदेश देना चाह रहे हैं इसके उद्देश्य से कि हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो लोग आजकल गलत साइडों पर जा जाकर जो एक्सीडेंट हो रहे हैं, ब्लैक स्पॉट्स जो जगहों पर एक्सीडेंट हो रहे हैं, उनसे बचने के लिए। रायबरेली में अपराध पर अंकुश लगाने में पुलिस नाकाम दिख रही है। थाना के चंद कदम दूरी पर मारपीट की लगातार वारदातें सामने आ रही हैं। आपको बता दें कि 2 दिन पहले हुई मारपीट में पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। वहीं दबंगों ने धारदार हथियार से वृद्ध पर जानलेवा हमला बोल दिया। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पीड़ित ने बताया कि दबंगों ने दुकान में रखे लाखों रुपए लूट लिए हैं। अच्छा, काहे से मारे हैं? कुल्हाड़े से। अच्छा, दुकान पे थे क्या? हाँ, दुकान। पैसा कितना ले गए? लगभग 60,000। हम लोगों को मालूम नहीं चला, बहुत देर के बाद हम लोगों को मालूम। मैनपुरी में बीते दिनों कुएं में मांस मिला था। बीते दिन कुएं में मांस मिलने और हड्डियों मिलने से हिंदूवादी संगठन के लोगों ने हंगामा काटा था। इस मामले में पुलिस ने 4 गौकशी के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें कि लापरवाही बरतने पर SP कमलेश दीक्षित ने बताया और सिपाही को निलंबित कर दिया है। ये पूरी घटना थाना करहल क्षेत्र के गोदई गाँव का है। करहल थाना अंतर्गत एक कुएं में मांस पाया गया था। इस संबंध में 4 लोगों को गिरफ्तार करके जेल भेजा गया है। अभी इसमें कुछ और लोगों की तलाश चल रही है, शीघ्र ही गिरफ्तार करके जेल भेजा जाएगा और संपूर्ण प्रकरण में लापरवाही बरतने पर चौकी इंचार्ज मीठेपुर को निलंबित किया गया है और एक
मैनपुरी में दो दिन पहले घिरोर थाना क्षेत्र के कोसमा में करीब 300 दुर्लभ प्रजाति के कछुए खेत में मिले थे। पुलिस अधीक्षक ने अभियुक्तों को पकड़ने के लिए टीमें गठित की थी। मुखबिर की सूचना पर घिरोर चापरी रोड से एक अभियुक्त को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस पूरे मामले में एसपी ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है। घिरोर थाने में लगभग 300 दुर्लभ प्रजाति के कछुए बरामद किए गए थे। इसमें चार लोग इस उसमें प्रकाश में आए थे नाम, उसमें से सोनू गिहार आज गिरफ्तार हुआ है। इसके द्वारा बताया जा रहा है कि बहुत पहले से ये कार्य करता रहा है और महंगे दामों पे बाहर इसको बेचता रहा है। ये संपूर्ण गिरोह के बारे में जानकारी की जा रही है और जो भी तथ्य आएंगे तदनुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर, कछुओं की कीमत क्या थी? और ये वर्षों से ये काम कर रहा था और ये घिरोर पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। खबर लखनऊ से है, जहां गोमती नगर विस्तार थाने के अंतर्गत शहीद पथ अंडरपास की झाड़ियों में एक शत विक्षत अवस्था में शव मिला था। जानकारी पर पहुंची स्थानीय थाना पुलिस घटनास्थल का निरीक्षण कर रही है और डीसीपी ईस्ट हृदेश कुमार ने पुलिस टीम का गठन कर हत्या से संबंधित आरोपियों की गिरफ्तारी के निर्देश भी जारी किए हैं। कार्रवाई कर हत्यारे संजय चौहान को गिरफ्तार कर और मृतका का मोबाइल फोन बरामद कर लिया गया है। हत्या प्रतीत होने के कारण हमने उसकी तलाश कराई, आखिर क्या कारण हो सकते हैं, किस प्रकार से हत्या हुई। प्रथम चुनौती पुलिस के सामने ये थी कि मृतक की शिनाख्त की जाए। मृतक के हाथ पर अनिल कुमार यादव टैटू गुदा हुआ था, पेपर में भी सूचना प्रकाशित हो, अन्य संचार माध्यमों सामाजिक मीडिया जो सोशल मीडिया है आपका उसके माध्यम से भी जानकारी प्रसारित हुई। मृतक के परिजन कल थाने पर आए और उनके द्वारा बताया गया कि मृतक अनिल कुमार यादव उनका भाई है और वो यहीं लखनऊ में रहकर सुताई का काम करता था और वर्तमान बांदा में कोतवाली नगर क्षेत्र में लोहिया पुल के पास एक स्थल पर विश्व हिंदू महासभा गोरक्षा समिति के जिला अध्यक्ष महेश प्रजापति के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। इस अवसर पर गाय, उनकी देखभाल, भोजन और पैसे संबंधित सभी विषयों पर व्यापक चर्चा की गई। सीएम योगी के निर्देश पर पहले ही आदेश दिया जा चुका है कि गाय की आबादी के संबंध में कोई लापरवाही नहीं की जाए और गाय की आबादी और भोजन को बनाए रखने से संबंधित मुद्दों के समाधान के लिए व्यवस्था की जानी चाहिए। इस सब ठंड को देखते हुए जिले में जितनी भी संचालित गौशालाएं हैं, स्थायी या अस्थायी है, वहां भी बिल्कुल अव्यवस्थाएं फैली हुई है। गौवंश ठंड से मर रही हैं। अभी भी मामला आया कि सौरव गांव का जो परसों दिन 5 गौवंश मृत थे, आज भी 5 गौवंश मृत पाया गया। अभी भी हमारे पदाधिकारी उपस्थित हैं, लेकिन इस तरह के मामले जैसे टोला कला ग्राम में गौवंश घसीटने का मामला सामने आया ट्रैक्टर से, सिंहपुर माथी में भी घसीटने का मामला है जो कमासिन क्षेत्र में है। इसके बाद एक जैसे ग्राउंड में गौवंश के मुँह पटाखा लगा दिया, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मुझे बांदा का प्रशासन बिल्कुल लापरवाही लग रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग है कि इसमें कार्रवाई करें, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें जो लापरवाही बरत रहे हैं। जो गौवंश जो है गाँव तय हो रही मर रही है, न कोई ठंडी की प्रशासन की व्यवस्था है, न कोई अलाव की व्यवस्था है, इसके कारण काफ़ी अव्यवस्थाएँ हो रही हैं। कई गौवंश जो है इसे अभी रिसौरा में एक ठंडा हुआ, कई 5 गाय मर गई, उसमें भी कोई कार्रवाई। अमरोहा के नोगावा सादात थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव हिजामपुर के रहने वाले युवक का मोबाइल पर बात करते समय अचानक धमाके के साथ फट गया, जिससे युवक बाल बाल बच गया। गांव हिजामपुर की ओर आने वाले हिमांशु ने बताया कि उसने 4 महीने पहले मोबाइल खरीदा था, जिसके बाद आज वे अचानक बात कर रहा था, तभी उसका मोबाइल बात करते समय फट गया, जिससे वो बाल बाल बच गया और वो अब पूरी तरह से सुरक्षित है। युवक ने पूरे मामले की जानकारी पुलिस को दी है। मोबाइल फ़ोन लिया था रियलमी 8 अमरोहा से, सना टेलीकॉम से, 16,000 रुपये का। इसमें आज अब बात करते हुए आग लग गई। खबर अलीगढ़ से है, जहां एसएसपी कलानिधि नेथानी के निर्देश पर सिविल लाइन क्षेत्र में हेलमेट अभियान चलाया गया। इस दौरान बिना हेलमेट पुलिसकर्मियों और आम जनता का प्रवेश वर्जित कर वाहनों की चालान भी काटा गया। होमगार्ड गिरिराज शर्मा ने बताया कि एसएसपी के आदेश पर पुलिस लाइन में बिना हेलमेट वाहन चालकों के प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। श्रीमान एसएसपी महोदय के आदेश के अनुसार पुलिस लाइन में पुलिस कर्मचारियों के बिना हेलमेट जाने पर प्रवेश वर्जित किया गया, 100-200 गाड़ियों को रोका गया है।
सुल्तानपुर पुलिस लाइन में पुलिस अधीक्षक ने पुलिस कर्मियों के साथ नव निर्मित आदर्श बैरक का फीता काटकर शुभारंभ किया। पुलिस कर्मियों की जीवन शैली, रहन सहन में गुणात्मक सुधार, बेहतर वातावरण प्रदान करने के उद्देश्य से अत्याधुनिक सुविधाओं से युक्त बैरक का निर्माण और अन्य बैरकों के जीर्णोद्धार कराया जा रहा है। नवनिर्मित बैरक में पुलिस कर्मियों को विश्राम करने हेतु बेड, गद्दा, तकिया, बेडशीट, अलमारी की व्यवस्था दी जाएगी। इस दौरान अपर पुलिस अधीक्षक विपुल कुमार श्रीवास्तव, क्षेत्राधिकारी नगर राघवेंद्र चतुर्वेदी, परिवहन शाखा प्रभारी रामशरण यादव, यातायात प्रभारी अनूप कुमार सिंह समेत अन्य कर्मचारी भी उपस्थित रहे। आज आदर्श बैरक का उद्घाटन किया गया है। कुछ दिनों पहले एडीजी जोन महोदय के द्वारा सुल्तानपुर पुलिस लाइन का निरीक्षण करते वक्त ये सुझाव दिया गया था कि एक आदर्श बैरक यहाँ पे होना चाहिए, तो उसी आदेश के क्रम में सीओ लाइन, एडिशनल एसपी, इन सब के द्वारा, रिजर्व इंस्पेक्टर लाइन्स, इनके सब के द्वारा पुराने से एक जो हमारी घर था उसको देखा गया, इंस्पेक्ट किया गया और उसको आज आदर्श बैरक के रूप में कन्वर्ट कर दिया गया है। इसमें 10 लोग कुल रह सकते हैं। सबके लिए अलमीरा और बाकी सामान रखने की व्यवस्था है। प्रॉपरली फैन और विंडो है, क्रॉस वेंटिलेशन हैं और हमें उम्मीद है अगर इसकी ये इसकी सफलता के बाद ऐसे मॉडल। खबर आई बरेली से है, जहां मील एरिया के रतापुर में एक युवक संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतक की पत्नी ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय पर शिकायत पत्र देकर साथ में रहने वाले दोस्तों पर हत्या का आरोप लगाया है और कहा कि प्रॉपर्टी हड़पने को लेकर साथियों ने ही पति की हत्या की। पुलिस अधिकारियों ने 30 दिसंबर को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आत्महत्या के प्रति उत्तेजित करने के संबंध में 3 लोगों के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत कर लिया है। इसी तरह मैं बुलेंसर के लिए अपने लिए रवाना हुई थी और मेरा टिकट जयप्रकाश मिश्रा और पंडित पांडे ने ही करवाया था आने जाने का। और उसके बाद 30 तारीख की रात को मेरे पति का फ़ोन आया था, 9:33 पर आया था, बोल रहे थे कि जयप्रकाश मिश्रा से मेरी फ़ोन पर लड़ाई हुई थी और मैंने जहर खा ली, ये सब बोल रहे थे। तो उसके बाद मैं फिर फ़ोन से कोई बात ही नहीं हुई जयप्रकाश से। हरदोई में इटोली पुल पर हादसा हो गया। आपको बता दें कि टडियावा इलाके में एक कार अनियंत्रित होकर एक पेड़ से कार जाकर टकरा गई और कार खाई में जा गिरी। इस घटना में कार सवार एक की मौत हो गई, कार में बैठे 3 लोग घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलने पर परिजनों में कोहराम मच गया है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस मामले की जाँच में जुट गई है। टडियावा थाना क्षेत्र में ये हादसा हुआ है जिसमें 4 लोग संडीला जा रहे थे, हरदोई की तरफ से बेनीगंज होके संडीला जा रहे थे और ये हादसा रात में हुआ है जिसमें जो चालक थे उनका सुनील नाम है, कछौना के रहने वाले थे, इनकी मृत्यु हो गई है। 3 अन्य लोग घायल हैं जो खतरे से बाहर हैं। गाजियाबाद में योगी आदित्यनाथ राजनगर एक्सटेंशन के पास MGI घरौंदा पहुंचे। आपको बता दें कि सीएम योगी के बहनोई राजेंद्र सिंह चौधरी का निधन हो गया था। कुछ दिन पहले उनका दिल्ली के निगम बोध घाट पर अंतिम संस्कार किया गया। मुख्यमंत्री योगी मुंबई में होने के कारण अंतिम संस्कार में शामिल नहीं हो सके थे, जिस कारण से सीएम योगी आज वहां पहुंचे हैं। गाजियाबाद में लोनी पुलिस टीम ने एक मोटरसाइकिल सवार को चेकिंग के दौरान रोक लिया, तो मोटरसाइकिल सवार अपनी मोटरसाइकिल को तेजी से पीछे मोड़कर पुलिस पर फायर करते हुए भागने लगा, जिस पर पुलिस टीम ने अपने साहस का परिचय देते हुए बदमाश की घेराबंदी कर ली और बदमाश पुलिस पर फायरिंग करने लगा। मुठभेड़ में बदमाश को गोली लग गई। गोली लगने से बदमाश घायल हो गया है। बदमाश के ऊपर पहले भी लूट, स्नैचिंग और चोरी के कई मुकदमे दर्ज हैं। एक व्यक्ति काले रंग की मोटरसाइकिल पे आता हुआ दिखाई दिया। पुलिस टीम ने जब उसे रोकने का प्रयास किया, अपनी मोटरसाइकिल को काफी तेजी से मोड़ करके भागने लगा। पुलिस टीम द्वारा जब उसकी चारों तरफ से घेराबंदी की गई तो उसने पुलिस टीम को लक्ष्य करके जानलेवा फायरिंग कर दिया। पुलिस टीम ने साहस का परिचय देते हुए अपने आप को बचाते हुए आत्मरक्षार्थ फायरिंग की,
जिसमें बदमाश घायल हुआ। पूछताछ में उसने अपना नाम शाहरुख बताया। उसके ऊपर 2 दर्जन से अधिक लूट आदि के जघन्य आपराधिक मामले दर्ज हैं पूरे NCR क्षेत्र में। वह लूट, चैन स्नेचिंग और चोरी आदि की घटनाओं को अंजाम देता रहा है। उसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल, एक तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखे कारतूस बरामद हुए हैं। अभी उसको चिकित्सा हेतु अस्पताल भिजवा दिया गया है। उससे और भी गहन पूछताछ। फरीदाबाद में HSEB वर्कर्स यूनियन की राज्य कमेटी द्वारा घोषित कार्यक्रमों के प्रथम पखवाड़े में बिजली निगम की सभी सब डिवीजनों पर हरियाणा स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड वर्कर्स यूनियन के बैनर तले बिजली कर्मचारियों ने प्रदेश सरकार और निगम मैनेजमेंट की कर्मचारी विरोधी शोषणकारी नीतियों के खिलाफ लामबंद होकर कर्मचारियों ने जोरदार नारेबाजी की और अपने अपने दफ्तर के SDO के माध्यम से अतिरिक्त मुख्य सचिव पावर डिपार्टमेंट के नाम मांगकर विरोध दिवस मनाते हुए ज्ञापन सौंपे। आज प्रदेश में हम ज्ञापन के माध्यम से ACS पावर को अवगत कराना चाहते हैं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारियों में भारी रोष है। प्रदेश का कर्मचारी 15 से 20 साल से निर्बाध बिजली आपूर्ति करके प्रदेश में कर्मचारी अपनी सेवाएं दे रहा है, लेकिन आज प्रदेश सरकार उनके साथ जिस तरह का छलावा कर रही है, कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं। सत्ता में आने से पूर्व इस सरकार ने लोगों को भ्रमित करके इनका वोट लेने का काम तो किया, लेकिन जब बात आती है प्रदेश के तमाम कच्चे कर्मचारियों को पक्का करने की, आज प्रदेश का कर्मचारी अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रहा है, क्योंकि सरकार ने एक ठेकेदारी से निकालकर आज हरियाणा प्रदेश की सरकार ने स्वयं ठेकेदारी करनी शुरू कर दी है, जिसका नाम है हरियाणा कौशल रोजगार निगम। हम इस ठेकेदारी को बंद कराना चाहते हैं और जब तक हरियाणा कौशल रोजगार को हम भंग नहीं करा देंगे, तब तक पूरे प्रदेश में हमारा इसी तरह का प्रोटेस्ट जारी रहेगा। अलीगढ़ में पुरानी पेंशन बहाली को लेकर सफाई कर्मचारियों ने सड़कों पर रैली निकाली, साथ ही कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन भी किया। पूरा मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र अंतर्गत जिला मुख्यालय कलेक्ट्रेट का है, जहां पुरानी पेंशन बहाली को लेकर आज सैकड़ों सफाई कर्मचारी एकत्रित हो गए और सड़कों पर रैली निकालकर कलेक्ट्रेट के गेट पर जोरदार प्रदर्शन किया। वहीं इस दौरान सफाई कर्मचारियों ने कलेक्ट्रेट के बाहर सरकार विरोधी तरह तरह के नारे भी लगाए, साथ ही मुख्यमंत्री को संबोधित एक ज्ञापन ACM सुधीर कुमार को सौंपा, जिसमें उन्होंने पुरानी पेंशन बहाल किए जाने की मांग की है। पूरे प्रदेश में उत्तर प्रदेश पंचायती राज ग्रामीण सफाई कर्मचारी संघ की ओर से ज्ञापन दिए जा रहे हैं, उसमें 3 सूत्री मांग प्रमुख रूप से हैं। सफाई कर्मचारियों की सेवा नियमावली बनाई जाए, सफाई कर्मचारियों की प्रोन्नति की जाए और पुरानी पेंशन व्यवस्था बहाल की जाए। इन 3 मांगों को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में आज इसी तरह की रैलियाँ निकाली गई हैं। ये उत्तर प्रदेश सफाई कर्मचारी संघ जनपद अलीगढ़ द्वारा आज अपनी 3 प्रमुख मांगों को उल्लेख करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी को संबोधित एक ज्ञापन दिया गया है। इसमें जो 3 मांगे हैं कि पंचायत राज विभाग के अंतर्गत जो सफाई कर्मचारी हैं उनकी सेवा नियमावली बनाई जाए और पदोन्नति की जाए और पुरानी पेंशन की बहाली की जाए। उत्तर प्रदेश की खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए Prime TV। नमस्कार। आप देख रहे हैं Prime TV, सच साहस